नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों किस तरह से आप ऑटो पे को बंद कर सकते हैं। जैसे फोन पे चला रहे होंगे तो आपके कई बार क्या है, आपके अकाउंट से पैसे काट कर आपके वॉलेट पे चले जाते हैं तो आपको पता नहीं होता और आप करना भी नहीं चाहते कि वॉलेट पे जाए वो फिर भी वो चला जाता है। तो उसको किस तरह से आप बंद कर सकते हैं कि जब तक आप वॉलेट पे का ना भेजें, और तो उसको कैसे सेटिंग करेंगे तो आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों किस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपका कोई भी बैलेंस बिना आपके के चाहे ऑटो पे ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको देख जैसे इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पे आप फोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे फोन पे वॉलेट खुल जाए। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा दोस्तों तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जाएंगे, जैसे आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फोन पे वॉलेट। जैसे आप फोन पे वॉलेट करेंगे इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट ऑटो टॉप अप, यहाँ पे जैसे इस तरह से क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप सिलेक्ट कर रखे होंगे तो उतना अमाउंट अपने आप से ऐड हो जाएगा। अगर उससे जब भी उससे कम हो जाएगा बैलेंस तो ऑटोमेटिक वो कट के वहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आप इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, यहाँ पे 500 से लेके 5000 तक ऑटो पे हो जाता है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है आपका बैलेंस जो है फोन पे वॉलेट से जो है आप किसी को अकाउंट पे भेज नहीं सकते, केवल स्कैन करके ही आप किसी को भेज सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप 4-10 रुपए 20 रुपए या 100 रुपए भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वॉलेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो वॉलेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा। बाकी आपको इसको अगर बंद करना है तो यहाँ पे आपको ये बंद ही रखना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ऑटो पे सेट नहीं है, अगर आपका सेट हो गया तो इसको आप बंद कर दीजिएगा। इससे आपको काफी बैलेंस जो है खराब नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।